सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाई जान जैसे हैं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से, कोई मजाक चीज नहीं है। इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैनॉट अफोर्ड इस वक्त के मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं, क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। बहुत बड़ा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए ये सोचते हैं कि वहाँ की खवातीन और वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म होता है, वही टिपिकल सोच जो बरसों से चली आ रही है। खुदा का वास्ता, फौज को छोड़ो, हर चीज को छोड़ो, पाकिस्तान को बचाओ। और वाकई में ये सियासी निज़ाम अब इस काबिल नहीं है कि जिस किस्म का एक इस्तेसाल शुदा मुआशी निज़ाम था उसको ले गए। हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं। अगर आप गूगल करें ना तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई? हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा, और चाइना ने अगर कुछ अच्छे काम किए जो कर रहे हैं। जब वो इस वक्त के इस हालात के करीब आए, जैसे पाकिस्तान आया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, तो फिर वो पलट के वापस आए थे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया में आप ये बात सुनते रहते होंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट और खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, और इसी प्रोपेगेंडा को कई सालों से पाकिस्तान मीडिया अपने लोगों को बता रहा है। लेकिन दोस्तों, कल एक ऐसा इंसिडेंट हम सबके सामने आया है जहां कुछ पाकिस्तानी महिलाएं मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी उनके भाई जैसे हैं, जो मुसलमान महिलाओं को सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ और रेस्पेक्ट भी दिलाते हैं। दरअसल दोस्तों, हर महीने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात का प्रोग्राम करते हैं, तो इसी मन की बात के प्रोग्राम को सुनने के लिए दिल्ली की कुछ महिलाएं जामा मस्जिद के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का प्रोग्राम का ब्रॉडकास्ट करवाया और वहां पर सभी मुसलमान महिलाएं और बाकी लोग मौजूद थे। इसी दौरान उनका कहना था कि मोदी जी उनके भाई जैसे हैं, जो उन्हें सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और भारतीय कानून में जो भी इररेस्पेक्ट मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है उनके खिलाफ भी लड़ते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्यों इंडियन मुस्लिम खवातीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है और इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं जो अभी हमने मिलकर वीडियो देखी है, क्या कहें कि आप इसको देते हुए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा मुस्लिम खवातीन जो है वो पसंद कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए रिबाहा कि आदमी हिंदू हो मुसलमान हो ये तो एक अच्छी चीज है, मगर उसकी अपनी पर्सनल सामाजिक कुछ सामाजिक सच्चाइयां होती हैं, ठीक है ना। अब महिलाओं को मैं क्या कहूँ, आपके चैनल पे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब महिलाओं को ये कहना कि ये तो मैली कुचैली हैं और ये इनके उससे बदबू आती है, इस तरीके का ट्रीटमेंट अब नहीं चला जाएगा। तीन तलाक दे करके बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, हमेशा वो डरी रहती है, वो खिदमत की, मैं उसको दिखाया कि तुम्हें अपने पति की खिदमत करनी है, वो डर डर के रहती है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी नहीं, फिर उसको ये भी कहोगे कि भाई तुमको तो हम खाना खिलाते, आप समझ रही हैं। तो मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो भारतीय हैं, मुस्लिम वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं, तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं, मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से, कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी, बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग, आप समझ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं,
आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है हिंदुस्तान में? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्वेश्चनर के लिए मुझे चुना, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। ताकि आप यहाँ तक ले लें जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान क्विटा से आया हूँ, यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। मैं हमारे कई सेशंस हुए हैं जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे क्विटा में हुए हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ़ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। आपको ये सब कैसे पता? हमारा जो हम यूनिवर्सिटी हमारी जो स्टडी है, हमारी स्टडी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गूगल है, आजकल हर चीज़ है, विकिपीडिया है, आजकल जो चीज़ होती है ऑनलाइन उसी टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाती है। तो दूसरी बात यह है कि मेरे इंडिया में कहीं दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो वो उनसे भी पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है वहाँ पे ये रिलीजियस को लेकर, मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ही वहाँ पे हालात चल रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो है इंडियन मुस्लिम खवातीन की, वो मोदी के हवाले से कुछ कह रही हैं। मैं चाहूँगी कि आप वो वीडियो देखें और इस पर अपनी राय का इजहार करें। देखा आपने कि किस तरह इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं, और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है। तो ये अच्छे है नरेंद्र मोदी, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट हम एक दिन बड़े हैं, ठीक है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज आप वहाँ पर सूरत हाल और हालात देख लें और यहाँ पर लिटरेसी रेट देख लें आप, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उनके बच्चों को भी टच नहीं करती। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख लें जाकर, वहाँ पे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो गए। इनफैक्ट वो चांद पे पहुँच गए, और हमारा ये सूरत हाल है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ रहे हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही वो नहीं है। हम तो बार बार ना यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, वो वहाँ पर मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आज़ादी हासिल है, लेकिन वहाँ की खवातीन देखें बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये कि फेक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है सबको बेहतर मालूम है। नाम लेने के मुझे मैं कुछ खास अभी इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं खुद एक बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बलोच इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है हमें एक प्रेस क्लब तक नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ पर हम अकेले लड़ रहे हैं, तनो तनहा लड़ रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई हमारा हमदर्द नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यही अगर बात होती किसी और कम्युनिटी की होती है, किसी और कास्ट से रिलेटेड होती, तो अभी पूरे पाकिस्तान में हंगामा बरपा हो चुका होता। हमें 1947 से ही हमें डिग्रेड किया गया है, हमें कोई हकूक नहीं दिए गए, हमेशा से हमारा यही है। जब भी हम हकूक की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें।